मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में डॉक्टर ने पहले अपने ड्राइवर की बहरेनी से हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश के टुकड़े कर एसिड में गला दिए। जानकारी के अनुसार होशंगाबाद के आनंद नगर निवासी डॉक्टर सुनील मंत्री इटारसी के सरकारी अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ है। उनकी पत्नी का एक साल पहले निधन हो चुका है। वह घर पर ही एक बुटीक चलाती थी। मृतक ड्राइवर वीरू उर्फ वीरेंद्र पंचोरी की पत्नी भी बुटीक पर काम करती थी, लेकिन सुषमा के निधन के बाद भी उसका डॉक्टर के घर आना जाना था। वीरू को डॉक्टर और पत्नी के बीच संबंध का शक था। इस पर उस डॉक्टर से विवाद भी हुआ था। वह डॉक्टर को अक्सर धमकाता रहता था। इससे परेशान होकर डॉक्टर ने कुछ दिन पहले ही 16,000 रुपए वेतन पर वीरू को अपना ड्राइवर रख लिया था। आईजी होशंगाबाद एसी जैन ने बताया कि वीरू ने सोमवार को डॉक्टर से दांत में दर्द की शिकायत की थी। इस पर डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद गलारित किया। जैन के मुताबिक एसिड से एक व्यापारी ने खबर की थी कि डॉक्टर काफी मात्रा में एसिड खरीद कर ले गए हैं। इससे अलावा मोहल्ले में लोगों ने भी एसिड की गंध आने की सूचना दी थी। मंगलवार दोपहर पुलिस की टीम डॉक्टर के घर पर पहुंची तो पूरा दृश्य देखकर दंग रह गई। पुलिस जब पहुंची तो आरोपी डॉक्टर कमर के नीचे के हिस्से को ठिकाने लगा रहा था। कई टुकड़े एसिड में गले हुए थे। पुलिस मृतक ड्राइवर वीरू की पत्नी से भी पूछताछ कर रही है। दिमाग में आशंका हुई कि डॉक्टर साहब और उसकी जो पत्नी है उनके बीच अवैध संबंध है। इसको लेकर उन्होंने डॉक्टर साहब से को कई बार अवैध संबंधों के नाम पे अपशब्द भी कहे, कई बार मतलब जो है उनको अड़ीबाजी भी की। तो डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है ना कि इससे वो बहुत परेशान हो गए थे और उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उसको ड्राइविंग पे रख लिया था। वीरू उर्फ वीरेंद्र पचौरी है जिसकी हत्या हुई है, जिसको ड्राइवर रखा हुआ था इन्होंने, तो उसकी पत्नी जो है इनकी पत्नी के साथ एक बुटीक का संचालन करती थी और 2010 से 18 तक जो डॉक्टर सुनील मंत्री उनकी पत्नी और जो वीरू की पत्नी, इन लोगों ने एक बुटीक का संचालन साथ साथ किया। और कल उनका ये कहना है कि 4 तारीख को वो अपनी ड्यूटी पर अपनी कार से गए जिसमें बाकायदा ड्राइवर के रूप में वीरू भी गया साथ में। वहाँ पर उसने बताया कि आज दांत में पेन है, तो इन्होंने मतलब जो है उसको दिखाया भी जो डेंटिस्ट है, चूँकि इटारसी सिविल अस्पताल बड़ा है। और फिर शाम को जब ये लौटे यहाँ पे करीब 4:45 से 5 बजे के बीच, इन्होंने कहा कि तुम्हारा पेन जो ऐसे ठीक नहीं होगा, मैं एक इंजेक्शन देता हूँ। उन्होंने कॉम्पोज का इंजेक्शन लगाया जो कि व्यक्ति में बेहोशी ला देता है। और जैसे ही वो बेहोश हुआ तो इन्होंने जो एक नाइफ रहता है जिसका उपयोग ऑपरेशन के लिए डॉक्टर करते हैं, जो उनके पास था, यानी उस नाइफ से जो है इनका गला रेत दिया।